अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में जनाब मैं आपको दूंगी न्यू ब्राइड्स के लिए एक स्मॉल मेकअप बैग, एक स्मॉल मेकअप पाउच, काइंड ऑफ लाइक एन एवरीडे मेकअप बैग फॉर न्यू ब्राइड्स। एंड आई हैव ऑलरेडी गिवन यू गाइस अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ एवरी ब्यूटी आइटम जो किसी भी ब्राइड जिसकी शादी हो रही है उसको अपने पास लाइक रखनी चाहिए, वो सारी चीज़ें। ये वीडियो पिछली वीडियो से दो तरीके से डिफरेंट होगी। एक तो ये कि ये एक शॉर्ट लिस्टेड सी लिस्ट है, वो जो कम्प्लीट आपकी कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट थी कि उसमें से चंद वो आइटम्स हैं जो आप अपने साथ ट्रैवल कर सकते हैं। दूसरा इसमें ये डिफरेंट होगा कि जो मैंने आपको कंप्लीट कॉम्प्रहेंसिव ब्यूटी लिस्ट दी थी उसमें मैंने कोई भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स रेकमेंड नहीं किए थे। आई जस्ट सेड आपके पास ब्रॉन्जर होना चाहिए, हाइलाइटर होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, बट फॉर नो नन ऑफ दोज प्रोडक्ट्स आई वॉज लाइक कि इस वाले ब्रांड का ये वाला प्रोडक्ट मैं रेकमेंड करूँ। सो इन टुडेज वीडियो जो मैं आपको मेकअप बैग रेकमेंड कर रही हूँ उसके सारे प्रोडक्ट्स लाइक पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स होंगे जो मैं आपको रेकमेंड करूँगी। सो एनी वेज विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। स्टार्ट करने से पहले छोटा सा पोलाइट रिमाइंडर, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें, साथ बेल के निशान को भी प्रेस करें ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन आएँ। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप दें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मेरे लिए कॉमेंट्स नीचे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर छोड़ दें। ऑल ऑफ दिस विल हेल्प दिस चैनल ग्रो एंड आई रियली ट्रूली अप्रिशिएट इट। सो चलें विदाउट फर्दर डू लेट्स जंप राइट इनटू दिस वीडियो। आज की वीडियो में आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि मैं आपको एक ऑप्शन दे देती हूँ फॉर लाइक योर एवरीडे नीड्स और एक ऑप्शन दे देती हूँ स्पेशल ओकेजन नीड्स के लिए, एंड उस पे लाइक वील बिल्ड ऑन मेकअप बैग फॉर लाइक न्यू ब्राइड्स। तो चलें वील स्टार्ट विद फेस प्रोडक्ट्स, देन मूव ऑन टू आईज एंड देन फिनिश ऑफ विद लिप प्रोडक्ट्स। अच्छा जी, प्राइमर में अगर आपकी नॉर्मल स्किन टाइप है या ऑयली स्किन टाइप है, फॉर द मेजॉरिटी ऑफ पीपल आई विल रेकमेंड दिस सैफायर पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। अगर आपकी एक्सट्रीमली ड्राई स्किन है फिर मैं आपको किसी तरह का हाइड्रेटिंग प्राइमर रेकमेंड करूँगी, एसेंस का हाइड्रेटिंग प्राइमर बहुत अच्छा है। बट अगर लाइक यू हैव लाइक नॉर्मल या नॉर्मल ड्राई टू ऑयली स्किन टाइप, तो आई थिंक दिस इज़ काइंड ऑफ अ यूनिवर्सल प्राइमर जो हर स्किन टाइप को सूट करेगा। इट्स कॉल्ड अ पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर, लेकिन इन माई ओपिनियन ये पोर मिनिमाइजिंग तो इतनी अच्छी करता है या नहीं करता, इट्स लाइक वेरी नाइस बेस फॉर योर मेकअप टू गो ऑन। मेकअप की लास्टिंग पावर को, आपकी स्किन को स्मूथनेस देने को, टेक्सचर को थोड़ा सा स्मूथ करने, इन सारी चीज़ों के लिए इट्स अ रियली डिसेंट प्राइमर एंड आई विल रेकमेंड न्यू ब्राइड्स टू कीप इट इन देयर मेकअप बैग। इससे भी अच्छा जो प्राइमर है वो जनाब द ऑर्डिनरी का हाई स्प्रेडेबिलिटी फ्लूइड प्राइमर है, वो पाकिस्तान में इतने आराम से अवेलेबल नहीं है, और अगर है तो ऑब्वियसली एट अ प्रीमियम प्राइस, विच इज़ वाई द फर्स्ट प्रोडक्ट आई रेकमेंड सैफायर्स पोर मिनिमाइजिंग प्राइमर। ओके जी, फाउंडेशन के लिए आई डू हैव टू रिकमेंडेशंस। एक आपकी एवरीडे फाउंडेशन होगी, सो डिपेंड करता है इफ़ यू आर गोइंग ऑन योर हनीमून और समथिंग लाइक दैट आई वुड रेकमेंड दिस, या इफ़ यू वांट अ नेचुरल एवरीडे काइंड ऑफ फाउंडेशन इवन फॉर वेडिंग्स आई वुड रेकमेंड दिस, लेकिन इफ़ यू वांट समथिंग मोर हाई कवरेज, मोर परफेक्टिंग, आपने पिक्चर्स लेनी है बहुत ज़्यादा, एनी ऑफ दैट, देन आई विल रेकमेंड दिस वन। दोनों का आपके बारे में आपको बता देती हूँ। द फर्स्ट वन पाकिस्तानी ब्रांड की है, ग्लैम गर्ल्स की रियल सीरम फाउंडेशन है। इट्स एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल, इट लुक्स फ्लॉलेस ऑन द स्किन, इट लाइक लुक्स वेरी वेरी नेचुरल। आज मैंने यही लगाई हुई है अपने चेहरे पे। एंड देन दिस इज़ लाइक एन ओल्ड फेवरेट, इट्स बीन इन माई कलेक्शन फॉर 4 years। ये मेकअप फॉर एवर की HD स्टिक फाउंडेशन है एंड देर इज नो वेडिंग फंक्शन दैट आई अटेंड विदाउट अप्लाइंग दिस फाउंडेशन ऑन। इट लुक्स ब्यूटिफुल इन पिक्चर्स, इट्स फुल कवरेज, कैन ऑल्सो बी लाइक लाइट कवरेज, अगर आप थोड़ी सी लगाएं तो यू हैव लाइक वेरी इजी कंट्रोल ऑन इट, ब्लेंड्स ऑन द फेस लाइक अ चार्म एंड इज एब्सोल्युटली ब्यूटिफुल ऑन द स्किन। लेकिन ये आपको पाकिस्तान से आराम से भी नहीं मिलेगी एंड इट इज़ गोइंग टू बी लाइक वेरी प्राइसी, सो आई एम सॉरी आई एम रेकमेंडिंग इट, बट दिस लाइक नो अदर फाउंडेशन मेड लाइक दिस वन, इसलिए मैं ये रेकमेंड कर रही हूँ। बट इफ़ यू वॉन्ट समथिंग मोर नेचुरल देन आई रेकमेंड द ग्लैम गर्ल्स की रियल सीरम फाउंडेशन। इट हैज़ स्किन केयर बेनिफिट्स इन इट, इट्स रियली लाइट वेट, लुक्स ब्यूटिफुल ऑन द स्किन एंड इज़ वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशंस, हैज़ बिकम वन ऑफ माई फेवरेट फाउंडेशंस वेरी क्विकली। हालांकि मैंने ये सिर्फ 1-1.5-2 महीने पहले ही खरीदी और ट्राई करना शुरू किया, बट आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस फाउंडेशन। सो या, दीज टू फाउंडेशंस आई डू रेकमेंड फॉर न्यू ब्राइड्स। अच्छा, बिफोर मूविंग ऑन टू कंसीलर आई डू वॉन्ट टू रेकमेंड अ प्रोडक्ट, एंड अनफॉर्चुनेटली मैं इसके लिए आपको पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं रेकमेंड कर सकती क्योंकि मेरे पास सिर्फ मेरा ये चाइनीज़ वाला ही है एंड आई रियली हैव नो एक्सपीरियंस विद अ पाकिस्तानी और एन इंटरनेशनल ब्रांड जो मुझे इससे ज़्यादा पसंद हो या जिसको मैं रेकमेंड कर सकूँ। बट आई कैन टेल यू दिस मच,
यू नीड अ कलर करेक्टर स्पेशली ब्राउन स्किन टोन्स के साथ या पाकिस्तानी इंडियन स्किन टोन्स के साथ. जनरली कंसीलर की एप्लीकेशन से पहले कलर करेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. एवरी डे के लिए ना भी ज़रूरी हो तो आई थिंक के आपके स्पेशल ओकेजन वगैरह के लिए आपको कलर करेक्टर की ज़रूरत ज़रूर पड़ेगी. इसके बाद हम बात कर लेते हैं कंसीलर की. इसमें अगेन अगर यू वॉन्ट समथिंग मोर नेचुरल, बहुत हैवी कवरेज चीज़ आपको नहीं चाहिए, समथिंग दैट विल ब्राइटन दी अंडर आइज एंड विल जस्ट गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ अ फ्रेशर लुक, तो आई रेकमेंड ग्लैम गर्ल्स का मिरेकल कंसीलर. दिस वीडियो इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड बाई ग्लैम गर्ल्स. आई जस्ट हैव रियली बिन लविंग बोथ ऑफ दीज प्रोडक्ट्स. विदाउट अ कलर करेक्टर आई डू फील लाइक कि मेरी आइज़ को ग्रे किए बगैर, अंडर आइज़ को ग्रे किए बगैर, इट डज गिव मी प्रिटी गुड ब्राइटनेस. बहुत ज़्यादा हैवी कवरेज नहीं है इसलिए लाइक मे बी आई वॉन्ट वेयर इट ऑन अ वेडिंग, लेकिन फॉर डे टू डे इट्स लाइक आइडियल एंड आई डू हाईली रिकमेंड इट. फॉर लाइक स्पेशल ओकेजन्स आई पर्सनली रियली लाइक द टार्ट शेप टेप. और फॉर फुल कवरेज इफ़ यू वॉन्ट टू लाइक गो ऑल आउट, आपको अपनी मेकअप किट में वेडिंग्स और स्पेशल ओकेजन्स और पोस्ट वेडिंग डिनर्स के लिए को बहुत अच्छा कंसीलर रखना है और आप बाहर से मंगा सकते हैं, या यू कैन अफोर्ड टू और यू विलिंग टू पे द प्रीमियम प्राइस हेयर इन पाकिस्तान फॉर अ फॉरन प्रोडक्ट, देन आई थिंक टार्ट का शेप टेप इज़ अ वंडरफुल प्रोडक्ट दैट यू कैन लाइक एब्सोल्यूटली ट्राई एंड यू वॉन्ट रिग्रेट इट. अच्छा, अब इसके बाद फेस पाउडर की कैटेगरी में अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस विद पाकिस्तानी लाइक translucent face powders. I will recommend the Laura Mercier loose translucent powder. It's like an amazing loose translucent powder. Har koi iski tareef karta hai and for good reason. Bahut acha powder hai. This I think you can buy in Pakistan. Maine isse milta julta product zarur dekha hai Miniso pe, lekin exactly ye wala nahi dekha hai is packaging mein. Like I think jo maine dekha tha that was called, what was this? It was called a correcting powder. और इसका शेड थोड़ा डार्कर था, मुझे ये वाला शेड नहीं मिला उसमें, लेकिन दिस वन इज़ कॉल्ड ब्राइटनिंग पाउडर. ये मिनीसो का पाउडर है एंड इट्स लाइक ब्यूटिफुल. अगर आपको ये ब्राइटनिंग पाउडर किसी मिनीसो से मिल जाए तो ग्रैब इट एंड मेरी गारंटी है, पसंद ना आए तो पैसे वापस. आई एम किडिंग, प्लीज़ डोंट कम आफ्टर मी फॉर ऑल द पसंद ना आए पैसे वापस वाली गारंटी, बट आई डू रियली रियली लाइक दिस पाउडर मैन. जितनी दफ़ा मैं ये पाउडर लगाती हूँ someone compliments my skin on it because it's such a lightweight powder and yet it perfects the skin. It like hides your pores aur aapki skin ko itna flawless effect dete hain ke like if you can get your hands on this powder I would 100% recommend it. If you cannot to Laura Mercier ka hai, that's a little expensive but that is also one that I would recommend. Uske alawa maine bahut tareef suni hai Beautify by Amna ke powder ki, I personally haven't tried that out. So obviously the products jo maine try nahi kiye main wo to recommend nahi kar sakti, jo try kiye hain unme se aapko recommendations de rahi hu if they are of any use to you. Acha ji, bronzer mein main recommend karungi Beautify by Amna ka tan born bronzer. I personally really like it. Pan mein it looks a little dark and it also looks a little like warm. ऐसे लगता है कि इट हैज़ अ लॉट ऑफ रेड इन इट, बट समहाउ ऑन द फेस इट्स द परफेक्ट शेड. ब्रॉन्जर ऐसा होना चाहिए जो बहुत ग्रे भी ना हो और बहुत ज़्यादा रेड भी ना हो, एंड आई थिंक दिस इज़ लाइक द परफेक्ट इन बिटवीन. सो आई डोंट हैव टू लाइक रेकमेंड एनी अदर कोई स्पेशल ओकेजन ब्रॉन्जर. आई थिंक दिस बाय इटसेल्फ इज़ लाइक इनफ. इट्स अ गुड ब्रॉन्जर एंड यू कुड टोटली बाय दिस वन. ब्लश में जनाब देर आर सो मेनी ब्लश फॉर्मूलाज दैट आई कैन रेकमेंड, पाकिस्तान के भी और पाकिस्तान से बाहर भी. जो ब्लशेज़ मैं रेकमेंड करूँगी वो मेकअप रेवोल्यूशन के ब्लशेज हैं, ये आपको वेगिस डॉट पी के से आराम से मिल जाएंगे. मेरे पास ये थोड़ा मॉवी सा शेड है लेकिन इसके अंदर आपको 3 स्ट्रिप्स मिल जाती हैं एंड वन इज़ अ लिटल मोर मैट, एक उसमें थोड़ा सा शीन है, तो लाइक यू गेट गुड वैल्यू फॉर योर मनी विद अ ब्लश लाइक दिस. ये है मेरे पास कलर स्टूडियो के ब्लशेज, ये भी बहुत खूबसूरत ब्लश है. दिस वन इज़ इन द शेड पीच मेल्बा और ये पीची सा ब्लश है लाइक द नेम सजेस्ट एंड दिस इज ब्यूटिफुल ऑन इट्स ओन टू. दिस इज़ द ब्लश आई एम वेयरिंग ऑन माई चीक्स टूडे एंड आई डू रियली लाइक दीज ब्लशेज एज वेल. अच्छा जी, हाईलाइटर जो है ना वो आई एम सो टोन बिटवीन विच वन ऑफ दीज टू आई शुड रेकमेंड, सो आई एम गोइंग टू रेकमेंड बोथ ऑफ यू. बाकी आपकी मर्जी आपने क्या खरीदना है, इसलिए क्योंकि आई फील लाइक दे आर रियली हेड टू हेड विद ईच अदर. पहला जो मैं आपको रेकमेंड कर रही हूँ दैट इज़ बाई जिब्रीनी, इट्स देयर हाईलाइटर पैलेट. मेरे पास जो ट्रियो है इट्स इन द शेड ए और ज़ाहिर पैकेजिंग देख के हम बता सकते हैं कि द बाम की जो ल्यूमिनाइजर सिस्टर्स थी, दिस इज़ जिब्रीनी टेक ऑन दैट हाईलाइटिंग पैलेट. लेकिन फार्मूला वाइज मुझे ऐसे लगता है कि दिस इज़ एन एग्जैक्ट डूप फॉर आवर ग्लास के फार्मूलाज. सो दिस इज़ एन एक्सेलेंट एक्सेलेंट पैलेट. आप एवरी डे बेसिस पर भी ये लगा सकते हैं विद अ वेरी सॉफ्ट जेंटल टच एंड इट विल लुक ब्यूटिफुल एंड फ्लॉलेस.
और क्योंकि इतना क्रीमी मज़े का फॉर्मूला है इसका कि ये आपके चेहरे पे चमकी नहीं लगता, टेक्सचर को एग्जैजरेट नहीं करता, एंड इट्स जस्ट अ ब्यूटिफुल हाइलाइटर दैट मेल्ट्स इनटू योर स्किन। डे टू डे के लिए भी लगा सकते हैं और स्पेशल ओकेजन्स के लिए भी, यू कैन लाइक बिल्ड इट अप एंड इट्स वेरी बिल्डेबल। दिस कैन बी वेरी ब्लाइंडिंग इफ यू वॉन्ट इट टू बी, एंड इट्स अ ब्यूटिफुल ब्लश पैलेट, कैन नॉट से इनफ गुड थिंग्स अबाउट इट। बट हैविंग सेड दैट, आई रिसेंटली बॉट द ल्यूमिनोसिटी पैलेट बाय ज़ूश एंड ओ माय गॉड, आई लव इट जस्ट एज मच एज माई जिब्रीनी के हाईलाइटर्स। इसका क्या है कि इसमें यू विल गेट मोर प्रोडक्ट। दिस रिटेल्स फॉर $22.50, सो दिस इज ऑलमोस्ट डबल द प्राइस ऑफ अ जिब्रीनी पैलेट, डबल से थोड़ा सा ज़्यादा है, बट आपको प्रोडक्ट भी डबल से थोड़ा सा ज़्यादा मिल रहा है। सो यू गेटिंग लाइक 6 पाउडर हाईलाइटर्स हेयर, जो क्वालिटी में लाइक अपनी परफॉर्मेंस में दे आर एग्जैक्टली द सेम, जैसे मैंने जो तारीफ मैंने जिब्रीनी के हाईलाइटर्स की है वो सारी तारीफ आप इस पैलेट की भी कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट दिस कैन बी इवन मोर ब्लाइंडिंग इफ यू वॉन्ट इट टू बी। और फिर सेंटर में आपको मिलता है क्रीम हाईलाइटर, सो इफ यू वॉन्ट टू एक्सपेरिमेंट विद क्रीम हाईलाइटर्स, लाइक अगर आप इसके एक्स्ट्रा पैसे पे कर रहे हैं तो आपको उतनी एक्स्ट्रा वैल्यू भी मिल रही है इन हाईलाइटर्स में। इट्स जस्ट लाइक योर प्रेफरेंस ऑफ कलर्स, आपको किस तरह के कलर्स अच्छे लगते हैं हाईलाइटर में, एंड लाइक हाउ मच डू यू लव हाईलाइटर। अगर आप बहुत ज़्यादा हाईलाइटर यूज़ ही नहीं करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा कलर्स की और ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, तो मे बी यू आर गुड विद दी जिब्रीनी वन। कम पैसे लगेंगे एंड यू विल गेट अ वंडरफुल हाईलाइटिंग प्रोडक्ट। बट अगर आपको लाइक इफ़ यू लव हाईलाइटर, then you can totally buy the Zoosh wala, and it's a local brand, you gotta support it, you get a mirror, you also get a mirror in the Jibrini palette. Like I said, they're head to head on all grounds, like in all grounds they're like they get equal points. So I don't know which one to recommend, so I'm recommending both, baki aapki marzi hai कौन सा प्रोडक्ट आपको देखने में ज़्यादा अच्छा लग रहा है तो वो वाला प्रोडक्ट ले लें। आपके लिए बजट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो जिब्रीनी वाला ले लें, लाइक इट्स योर डिसीजन, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू एनीथिंग। I just love both of these highlighting palettes a little too much. अच्छा जनाब, इसके बाद हम आ जाते हैं आईज़ की तरफ। आईज़ में सबसे पहले तो आप ले लें ब्राउ पेंसिल, वो किसी भी मेकअप बैग का मस्ट है मेरे नज़दीक। आप मिनीसो जाएं और मिनीसो पे बहुत ज़्यादा वेराइटी है आई लाइक आईब्राउ प्रोडक्ट्स की, वहाँ से जो आपको कलर सूट करे, जो फिनिश अच्छी लगे वो ले लें। उसके अलावा आई शेडो, सबसे पहले तो मैं रेकमेंड करूँगी जनाब ये इंग्लॉट के जो पॉट आई पिगमेंट्स हैं, ये रेकमेंड कर रही हूँ। इसमें जो शेड है 13, 1313, ये आप ले सकते हैं, ये आपको डे टू डे के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके अलावा जो 37 है, इट्स अ लिटिल मोर बोल्ड, ये डे टू डे के लिए नहीं लेकिन ये स्पेशल ओकेजन्स के लिए रेकमेंड कर रही हूँ। इट्स अ ब्यूटिफुल शेड एंड यू कैन टोटली चेक दिस वन आउट। उसके अलावा अगर आपको शादी ब्याह के लिए थोड़े ग्लिटर्स चाहिए तो मैं अगेन इंग्लॉट के ग्लिटर्स रेकमेंड करूँगी। मेरे पास यहाँ पे एक है 63 में, विच इज़ अ गोल्ड ग्लिटर। आई ट्राई टू इंसर्ट लाइक क्लोजअप ऑफ दीज, इतनी दूर से मैं आपको क्या दिखाऊँ, बट दीज आर ब्यूटिफुल ग्लिटर्स। लेकिन इनको लगाने के लिए आपको चाहिए होती है ग्लिटर ग्लू। अब वो ग्लिटर ग्लू अगेन मैंने सुना है कि लाइक ब्लिंक्ड विद नादिया हुसैन का जो ब्रांड है उनकी शायद ग्लिटर ग्लू अच्छी है, या मे बी दैट्स आई लैश ग्लू दैट आई हैव हर्ड अबाउट। एनीवेज मेरा अपना एक्सपीरियंस नहीं है, मैं ये यूज़ करती हूँ टू फेस्ट की ग्लिटर ग्लू। या इसके अलावा जो इंग्लॉट का अपना ड्यूरालाइन आता है, दैट्स एन एक्सेलेंट प्रोडक्ट टू एक्चुअली हैव इन योर किट, क्योंकि अगर आपके आईलाइनर्स ड्राई हो जाए या कोई भी प्रोडक्ट ड्राई हो रहा हो, मस्कारा ड्राई हो रहा हो, यू कैन लाइक ऐड अ कपल ऑफ ड्रॉप्स और इवन वन ड्रॉप ऑफ ड्यूरालाइन एंड इट विल फिक्स योर प्रोडक्ट लाइक इंस्टेंटली। सो उसको आप यूज़ कर सकते हैं इवन एज लाइक अ फिक्सर फॉर योर ग्लिटर आई शेडोज। उसके अलावा जनाब मैं रेकमेंड करूँगी सैफायर की ये जो क्रेयॉन स्टिक्स हैं आई शेडोज़ के लिए फॉर डे टू डे, दीज आर एब्सोल्युटली वंडरफुल। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि दे डोंट गो एनीवेयर, एब्सोल्युटली एनीवेयर। संडे को लाइक टुडे व्हेन आई एम फिल्मिंग इट्स वेनसडे, एंड संडे को आई यूजुअली फिल्म गेट रेडी विद मी एंड आई अपलोड इट ऑन माय इंस्टाग्राम एवरी ट्यूसडे। सो संडे को मैं तैयार हुई सैफायर के, आई यूज्ड ऑल सैफायर प्रोडक्ट्स। इफ यू डोंट फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, यू शुड फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम, इट्स अ गुड टाइम देयर। बट एनीवेज संडे को मैं तैयार हुई एंड आई गेव यू गाइज अ स्वॉच ऑन द बैक ऑफ माई हैंड, इट्स स्टिल देयर जस्ट अ लिटिल बिट, एंड नो आई एम नॉट डिस्कस्टिंग, आई वॉश माई हैंड्स प्रीटी रेगुलरली। बस मैंने मेकअप रिमूवर वाइप लेके उसको नहीं साफ किया, वो सुस्ती की मैंने, लेकिन वजू भी किया, लाइक हाथ भी धोए, लाइक इट्स द पेंडेमिक, आई वॉश माई हैंड्स रेगुलरली, बट आई स्टिल हैव लाइक अ लिटिल बिट ऑफ दैट प्रोडक्ट लेफ्ट हेयर, इसलिए मैं अभी नहीं स्वॉच कर रही हूँ क्योंकि अगेन आई एम गोइंग टू बी लेजी अबाउट रिमूविंग इट एंड फिर अगले चार दिन भी मेरे हाथ पर लगा रहेगा। बट दिस डज नॉट गो एनीवेयर, यू कैन लाइक लिटरली टेक दिस एंड ड्रॉ इट ऑन योर आई बॉल्स एंड यू आर गुड टू गो फॉर द रेस्ट ऑफ द डे। इट्स सच एन ईजी प्रोडक्ट, आई वुड टोटली रिकमेंड, लाइक इसके 2-3 शेड्स खरीद लें, जिंदगी आसान हो जाएगी और कुछ लेने की ज़रूरत ही नहीं है। उसके अलावा आई प्रोडक्ट्स में आपको चाहिए होगा एक लिक्विड लाइनर,
या वो लाइनर जो आपने ऊपर लगाना होता है वो इंग्लॉट का जो जेल पॉट जेल लाइनर्स हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। वो इन नंबर 77 इज़ द ब्लैकेस्ट आई लाइनर आई हैव एवर ट्राइड, आप वो ले सकते हैं। अगर आप लिक्विड आई लाइनर ले रहे हैं तो फिर सैफायर का आई लाइनर इज़ प्रिटी गुड, मैंने ब्राउन में लिया है। डे टू डे के लिए ब्राउन अच्छा रहता है, इट डिफाइंस योर आइज बट इट्स नॉट टू इंटेंस। आप ब्लैक भी ले सकते हैं फॉर लाइक मोर इंटेंस लुक्स, इफ़ यू लाइक दैट लुक, या इफ़ यू वॉन्ट अ ब्लैक आई लाइनर फॉर लाइक स्मोकी आइज और वेडिंग ओकेजन्स और स्टफ लाइक दैट। सो यू कैन टोटली बाय अ ब्लैक वन एंड अ ब्राउन वन एंड सैफायर मेक सम गुड वंस। इसके अलावा जनाब आपको चाहिए होते हैं जो काजल लाइनर्स होते हैं जो आप अपने वाटर लाइन में लगाते हैं, ये अगर आप ले लें एक ब्लैक में, एक ब्राउन में और एक वाइट में तो बहुत सुखी रहेंगे। वाइट वाला जो है वो लगा के पहली दफ़ा अजीब लगता है लेकिन इट डज़ रियली ओपन अप योर आइज़, आँखें बड़ी बड़ी लगती हैं और फ्रेश लगती हैं वाइट आईलाइनर लगाने से, अगर आप अपने निचले वाटर लाइन में वाइट आईलाइनर लगा लें। सैफायर अगेन मेक्स ग्रेट, एब्सोल्युटली ग्रेट लाइक वाटर लाइन लाइनर्स। नाउ इट्स साउंडिंग लाइक सैफायर स्पॉन्सर्ड विद दिस वीडियो बट दे हैव लाइक एब्सोल्युटली नो आइडिया हु आई एम, दे डोंट इवन नो आई एग्जिस्ट। I do really think कि सैफायर का मेकअप इज़ रियली गुड क्वालिटी। इसके बाद जनाब आइज की कैटेगरी में मस्कारा आपको चाहिए होगा। मस्कारास जो हैं वो एसेंस के बहुत अच्छे, वाटर प्रूफ, नॉन वाटर प्रूफ, ऑल ऑफ देम इन माई एक्सपीरियंस दे लाइक रियली प्लम्प अप दी लैशेज। और ये जो मेरे पास है इस वक्त दिस इज़ कॉल्ड दी लैश एक्सटेंशन और इसका जो वाटर प्रूफ है लैश प्रिंसेस दैट इज़ एन एक्सलेंट प्राइमर सॉरी मस्कारा टू। एंड ऑफ कोर्स इन योर मेकअप बैग अलॉन्ग विद योर मस्कारा यू नीड अ गुड ओल्ड लैश कर्लर। अच्छा जी, लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट आई विल बी रिकमेंडिंग अ फ्यू lip products में सबसे पहले आपको lip liner की ज़रूरत होती है। lip liners again sapphire, I sound like a broken record but sapphire makes the best lip liners available in Pakistan। उसके अलावा मैं sapphire की chubby stick यानी जो उनकी crayon वाली pencil है उसको और उनकी liquid lipsticks इनको भी recommend करूँगी, really good formulas belong। So lip products में lip liners, lip crayons और liquid lipsticks, ये तीनों products sapphire के ऐसे हैं जो मैं recommend करूँगी। बुलेट लिपस्टिक्स में मैं बोर्जुआ की लिक्विड लिपस्टिक्स बुलेट लिपस्टिक्स रेकमेंड करूँगी, दोज आर एक्सेलेंट। और लिप क्रियॉन्स में मैं इसके अलावा जिब्रीनी के लिप क्रियॉन्स रेकमेंड करूँगी बिकॉज दे आर एक्सेलेंट प्रोडक्ट्स टू। एंड लास्ट बट सर्टनली नॉट लीस्ट ये दोनों टूल्स मैं रेकमेंड करूँगी, ब्यूटीफाई बाय आमना का ब्यूटी ब्लेंडर एंड किसी भी तरह का शार्पनर, पेंसिल शार्पनर जो आपके ये ड्यूअल एंडेड होते हैं। आई थिंक सैफायर केम आउट विद वन, उनका है जो मोटी पेंसिल्स के भी काम आता है एंड देन लाइक योर स्किनियर lip liners and stuff like that unko sharp karne ke bhi kaam aata hai, so you need a good quality sharpener in your makeup bag as well and that pretty much like concludes today's video। ye jo aapka beauty blender hai this can replace all of your makeup brushes, I know I use like all kinds of makeup brushes, I recommend all kinds of makeup brushes but at the end of the day you can get your entire face done just with the beauty blender। And if you want me to do a video all about like doing the entire face with a beauty blender, I'll be more than happy to do that. But yeah, that like concludes today's video. I hope you guys enjoyed it. If you did enjoy this video, please do not forget to give this video a big thumbs up. Subscribe if you haven't already. And I'll see you guys in my next video. Allah Hafiz.